और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो। वो रहा मुर्गा, हलाल हो जाएगा। उसके पास बहुत माल है, उसको तो इजी लूट लूंगी मैं, बस एक बार ये मुझे देख ले। उसके पास चल जा, क्या करना है तुझे मालूम है ना, चल जा। वो तो मुझे मालूम है। सॉरी भाई, सॉरी भाई साहब, जरा ये एड्रेस बता दीजिएगा। हाँ जरूर जरूर, मेरा भी एड्रेस यहाँ खो गया है, प्लीज आप बोल दीजिएगा। कहीं ये एड्रेस तो नहीं? तीन नंबर कॉलेज स्ट्रीट निर्मल बुक। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा है, मेरा। कहाँ ये एड्रेस प्लीज आप बताएंगे? हाँ याद आया मुझे, इस रास्ते से सीधा दो बिल्डिंग के बाद निर्मल बुक, वहीं से तो मैं बुक लेती हूँ। अच्छा मैडम, मैं क्या बोलता हूँ, मैडम ये एड्रेस आप बता देंगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक नंबर कॉलेज स्क्वायर कोलकाता 7 बैनर्जी बाबू। हाँ मैं भी तो वही जा रही हूँ, चलिए मैं आपको पहुँचा देती हूँ। अरे आप दूर क्यों, साथ साथ चलिए ना। मैडम आप बहुत अच्छी हैं। भारतीय नारी की इज्जत के ऊपर हमला है, कोई मेरी इज्जत बचाने वाला? इसने मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? इसने भारतीय नारी की इज्जत के ऊपर हाथ डाला। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं मरने जा रही हूँ। नहीं दीदी, आपको मरना नहीं होगा, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, कम से कम इसे 5 साल की सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसे छोड़ना मत, इसने भारत नारी की इज्जत पर हाथ डाला, एकदम इसे छोड़ना मत। ये हाथ मैंने इसके ऊपर कैसे डाला, मुझे कुछ पता नहीं चला। पता तो तुमको तब चलेगा जब तुम्हारे हाथ में डंडे पड़ेंगे, 3 महीने लॉकअप और 5 साल जेल। ये जेल भेजने की बात कर रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हें मालूम नहीं, इंस्पेक्टर विनोद का एरिया है ये, अगर कोई लड़की छोड़ता है पहले वो डंडे से मारता है, फिर 5 साल के लिए जेल भेज देता है। किसने लड़की को छेड़ा है? इस लड़की को छेड़ा? हाँ मैंने लड़की को छेड़ा। मैंने नहीं, इस हाथ ने छेड़ा। इस हाथ ने कैसे छेड़ा मुझे खुद पता नहीं चला। क्या हुआ कन्या? इसने मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं मरने जा रही हूँ। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाएगा तो ये। अरे तुझे मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे भाई साहब अभी तक आप पहुँचे नहीं वो एड्रेस पर? एड्रेस पर पहुँचना तो दूर की बात, 10,000 का चूल्हा लग गया। चूल्हा? वो कैसे? वो लड़की नहीं, डकैत थी डकैत, उसके चक्कर में मुझे पुलिस वालों को 10,000 रुपया देना पड़ा। 10,000 रुपया? हाँ। अरे भाई पैसे लड़की के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं चाहिए था। छोड़िए, आपका जो एड्रेस था वो पता लगा कि नहीं? नहीं, कहाँ मिला।
चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। चलिए चलिए। अरे भैया आप मुझे जरूरत नहीं है किसी का। मैंने कहा ना आप मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मैं खुद खोज लूंगा। मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं खुद खोज लूंगा। सिमरन, ये रहा तुम्हारा आज का हिसाब। बस इतना ही? मुझे तो थोड़ा बड़ा कर दो। ए, तेरा बार बार का मचमच है ये। और भी तो सब है यहाँ पर, सभी को तो देना है। आपने देखा नहीं मैं किस तरह से गिरी? बहुत ही दर्द हो रहा है, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा तुम सब क्या बोलते हो, कुछ बढ़ा के दूं इसे? उमेश भाई, डॉक्टर का मामला है, कुछ बढ़ा कर दे देना। ले ले और ले, आज ही डॉक्टर को दिखाना, हम सभी को यहाँ काम करना है, ठीक है? ये ले, कुछ बड़ा हाथ मार जिससे हम सबका भला हो जाए, ठीक है? हाँ राहुल बोल। नहीं मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ, रवि मिलेगा तुझे। हाँ कुछ काम है। नहीं नहीं अपना रवि मिलेगा, अभी सब कुछ वही संभालेगा। और बता कब आ रहा है? क्या तू कल आ रहा है सच में? यार तेरे आने पे मैं तो नहीं रह पाऊंगा। शौकत भाई। और बोलो शंभो रानी। ये रहा आपका हिस्सा। थैंक यू। तब तक इस बढ़ती महंगाई में किस चिल्लर से काम चलाओगी? कुछ बड़ा करने की सोच, बड़ा लाइफ सेट करनी है कि नहीं? कहा शौकत भाई, कोई मुर्गा फंसता ही नहीं। अरे फंसेगा फंसेगा, तेरे अंदर वो बात है सुनो। बाय द वे इसके लिए थैंक यू।